नमस्कार, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर की एसेंशियल क्वालिटीज़ के बारे में। व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ टीवी न्यूज़ रिपोर्टर? एक टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर में कौन से ऐसे गुण, कौन सी ऐसी खासियत होनी चाहिए जिससे वो एक सफल न्यूज़ रिपोर्टर बन सके? सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी खासियत है एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ सेंस, खबरों को सूंघने की क्षमता। जो भी छोटी बड़ी घटनाएँ घटित होती हैं उसमें कौन सी घटना बड़ी खबर बन सकती है, ये परखना एक जौहरी की तरह, जैसे जौहरी हीरा परखना जानता है, उसी तरीके से एक अच्छा टीवी न्यूज़ रिपोर्टर घटित घटनाओं में से कौन सी खबर बड़ी बन सकती है, उसको ये सूंघने की क्षमता आनी चाहिए। उसकी जो न्यूज़ सेंस है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसी से मुझे याद आ रहा है फिल्म बाजीराव मस्तानी का वो फेमस डायलॉग, बाज की नज़र और चीते की चाल। तो जैसे बाज अपने शिकार पर दूर से ही नज़र रख सकता है, बहुत पैनी नज़र होती है बाज की, उसी तरीके से जो रिपोर्टर है उसकी भी बहुत पैनी नज़र होती है और वो सूंघ लेता है, वो देख लेता है, विजुलाइज कर सकता है कि कौन सी घटना जो है बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ बनने की काबिलियत रखती है या उसको वैसे बनाया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी जो होनी चाहिए एक टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर में वो है अच्छी नेटवर्किंग स्किल्स, क्योंकि टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर को पूरा दिन लोगों से मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, डील करना पड़ता है लोगों से, और खबरें एकत्रित करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। तो उनकी जो नेटवर्किंग स्किल्स हैं उनको अलग अलग मौक़ों पर और अलग अलग जगह अपने सोर्सेज बनाने आने चाहिए, नेटवर्क बनाना आना चाहिए। तो एक अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर आउटगोइंग एक्सट्रोवर्ट नेचर का होता है, क्योंकि उसे लोगों से डील करना पड़ता है पूरा दिन अपने प्रोफेशनल करियर में। वो न जाने कितने ही लोगों से नेटवर्किंग सेटअप करता है अपनी, बहुत नेटवर्क उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर कोई कोई बहुत ज़्यादा टिमिड या शर्मीले किस्म का, संकोची किस्म का व्यक्ति होगा तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो बार बार फील्ड में जाए, नए नए लोगों से मिले, बातचीत करे, इंफॉर्मेशन निकाले और साथ साथ इंटरव्यूज़ लेके, बाइट लेके वो उसको न्यूज़ में सम्मिलित कर सके। तो इसीलिए बहुत आउटगोइंग, मिलनसार और एक्सट्रोवर्ट नेचर का एक न्यूज़ रिपोर्टर को होना चाहिए ताकि वो खबरें एकत्रित कर सके। फिर एक टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उसको राइटिंग स्किल्स भी एक टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर की अच्छी होनी चाहिए, शब्दों का ज्ञान, शब्दकोश अच्छा, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनको अपनी स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती है। कोई स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं या जो न्यूज़ कवरेज करके आए हैं उसकी स्क्रिप्ट भी वो लिखते हैं और साथ ही साथ प्रोग्राम्स की भी अपने वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसीलिए उनकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। एक और ख़ास क्वालिटी है कि उनको अपने अपनी बीट की, अपने एरिया की नॉलेज होनी चाहिए, अपने फील्ड एरिया की नॉलेज, अपने स्पेशलाइज्ड एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एक जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स कवर करते हैं, लीगल रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी बीट होती है लीगल बीट, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, नॉर्म्स के बारे में उनको अच्छी नॉलेज होगी, तभी वो अच्छी रिपोर्टिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और ज़िम्मेदारी वाला काम है कोर्ट की रिपोर्टिंग। इसीलिए सभी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, कोई स्पेशलाइज्ड उनका बैकग्राउंड हो, अच्छी नॉलेज हो, तभी ये बीट उनको दी जाती है। इसीलिए उनको अपनी फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और उसके साथ साथ, क्योंकि मल्टीटास्किंग का ज़माना है और रिपोर्टर को अलग अलग जगह जाके अलग अलग किस्म की रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, तो इसीलिए उनकी जो नॉलेज है वो बहुत डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जिसको कहा जाता है, सब प्रकार की नॉलेज, सब फील्ड्स की उनको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उनको लेटेस्ट क्या चल रहा है कंट्री में, उनके एरिया में लेटेस्ट क्या चल रहा है, कौन से अपडेट्स हैं, उनको ही और शी शुड बी अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, लेटेस्ट मुद्दे, कॉन्ट्रोवर्सीज, हर चीज़ से उनको अवेयर रहना चाहिए। इसके अलावा एक टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर को कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होना ज़रूरी है, ही और शी शुड बी अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, उनको बोलने का कॉन्फिडेंस,
उनको अपने कार्य करने का कॉन्फिडेंस और कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्टर को पीस टू कैमरा देना पड़ता है, उनको डायरेक्टली कैमरा में देख के अपने दर्शकों से बात करनी पड़ती है। इसके अलावा उनको इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं और उनको एंकरिंग, शो होस्ट वगैरह भी करना पड़ता है, इसलिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी होनी ही चाहिए, साथ साथ उनको सब प्रकार के सिचुएशंस हैंडल करने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और जब वो बात कर रहे हों तो वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे, उनके हाव भाव में झलकना चाहिए। इस सब के अलावा धैर्य यानी पेशेंस, ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो एक टीवी न्यूज़ रिपोर्टर को होनी चाहिए, क्योंकि टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर को अक्सर जब वो न्यूज़ कवर करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत अनप्लेजेंट सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हैं, बहुत अनप्लेजेंट अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, और कई बार उनको ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जो बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हों, तो ऐसे में वो अपना धैर्य ना खोएं, संयम मेंटेन करें और पूरे पेशेंटली सिचुएशंस को हैंडल करें। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, किसी का इंटरव्यू ले रहे हों वो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और वो कोई क्वेश्चंस पूछते हैं और जो जो जिसने उत्तर देना है उनको उनका क्वेश्चन नहीं पसंद आया या उन्होंने आंसर देने से मना कर दिया, कमेंट करने से मना कर दिया, ऐसे में पूरे धैर्य के साथ उनको अपनी बात रखनी चाहिए, और गुस्से में आ जाएं या धैर्य खो दें ऐसे में सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। और पब्लिक रैलीज कवर कर रहे हैं, रोड शोज कवर कर रहे हैं, स्पीचेस नेताओं के साथ कहीं जा रहे हैं, और कई बार सुबह से लेकर रात तक उनको जो है फील्ड में रहना पड़ता है। सुबह अगर रिपोर्टिंग करने गए हैं तो कोई इवेंट का टाइमिंग ड्रैग हो गया, स्ट्रेच हो गया, और सुबह उनको इंटरव्यू नहीं कर पाए या कवरेज नहीं कर पाए क्योंकि वो इवेंट पोस्टपोन हो गया। कभी कभी जिनका इंटरव्यू उन्होंने लेना है, हो सकता है वो सुबह का समय दिया हो उन्होंने या शाम का दिया हो, और वो 2 घंटे 3 घंटे लेट आए, ऐसे में एक रिपोर्टर को पूरी पेशेंटली अपना अपने कार्य का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि उनकी न्यूज़ कवरेज उनको मिल जाए, इंटरव्यू मिल जाए, बाइट मिल जाए, और उनका काम पूरा हो सके और वो चैनल को न्यूज़ प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए पूरी पेशेंटली डिफ़िकल्ट लोगों के साथ, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस के साथ डील करना और उसमें पेशेंस ना खोना एक बहुत अच्छी क्वालिटी एक न्यूज़ रिपोर्टर में होनी चाहिए। एक न्यूज़ रिपोर्टर, टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर को रिस्क टेकिंग आनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्की प्रोफेशन, इट्स अ रिस्की जॉब। वो नॉर्मल क्लरिकल जॉब नहीं है या कोई और जॉब नहीं है 9 से 5 एक जगह बैठ के सेफ एटमोसफेयर में वो काम हो सके। यहाँ पे उन्हें फील्ड में जाना होता है, अलग अलग लोगों के पीछे भाग के उनको न्यूज़ कलेक्ट करनी होती है, और बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जब भी वो फील्ड में जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, अनफोर्सीन इंसिडेंट्स उनके साथ हो सकते हैं, स्पेशली जब कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लिक्टेड एरियाज़ में वो जाते हैं न्यूज़ कवरेज करने, जैसे दंगा ग्रसित इलाकों में, या हम कह सकते हैं यू नो वॉर जोन्स में, या इसके अलावा कहीं गोलीबारी हो रही है, लाइव इनकाउंटर चल रहे हैं ऐसे एरियाज़ में, तो रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। अलग अलग बीट्स होती हैं, स्पेशली क्राइम रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग वगैरह, तो ऐसे में रिस्क टेकिंग इनको आनी चाहिए, दे शुड बी विलिंग टू टेक रिस्क। उसके अलावा इनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए बेसिक डिजिटल टूल्स की, ईमेल भेजना, अपने कैमरा फ़ोन में रिकॉर्डिंग करना, हर बार माइक अवेलेबल नहीं हो सकता, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, सिचुएशंस हैं जब अपने कैमरा फ़ोन का यूज़ करके ये रिकॉर्डिंग इनको करनी पड़ती है, तो इनको स्मार्टफोन, कैमरा फ़ोन का यूसेज आना चाहिए, उसको हैंडल करना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करना, इंटरनेट का प्रयोग करना अच्छे से इनको आना चाहिए, लेटेस्ट डिजिटल टूल्स और डिवाइसेस की नॉलेज इनको होनी चाहिए। उसके अलावा इनको अपने रिपोर्टिंग टूल्स जैसे माइक हैंडलिंग, माइक की नॉलेज, कैमरा इक्विपमेंट्स की नॉलेज, कैमरा हार्डवेयर की नॉलेज, उसके अलावा कैमरा हैंडलिंग स्किल्स और शॉट्स की नॉलेज, विजुअल्स के बारे में पूरी जानकारी। एक अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर, टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर वो है जो अपने काम तक ही अपनी नॉलेज को सीमित नहीं रखे, बल्कि
वो अपने काम से जुड़े जो अलग अलग पहलू हैं उनके बारे में भी पूरा ज्ञान हासिल करें, क्योंकि कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब कैमरा मैन अवेलेबल नहीं होता, कई बार वो इंजर्ड हो सकता है, तो आपको एज ए टीवी न्यूज़ रिपोर्टर खुद ही कैमरा हैंडल करना पड़ जाता है, या सपोज़ कभी सिर्फ रिपोर्टर को अलाउ करें कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो, बहुत सेंसिटिव इशू हो जिसमें सिर्फ रिपोर्टर को इंटरव्यू के लिए अलाउ करें, तो ऐसे में उसको बेसिक कैमरा हैंडलिंग भी आनी चाहिए। फिर एक और खासियत जो होनी चाहिए कि एक टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर को स्टोरीज़ को विजुअलाइज करना आना चाहिए, बिकॉज टेलीविज़न इज़ अ ऑडियो विजुअल मीडियम, इट्स अ विजुअल मीडियम जिसमें दृश्यों के ज़रिए ही स्टोरीज़ समझाई जाती हैं, स्क्रिप्ट समझाई जाती है, इसीलिए वो स्टोरीज़ को विजुअलाइज कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंगली एक न्यू स्टोरी कैसे तैयार करनी है, तो दृश्यों को यानी विजुअल्स उनको इमेजिन करने आने चाहिए कि स्टोरी को कैसे विजुअलाइज करके पेश करना है। एक अच्छे जो न्यूज़ रिपोर्टर है ही शुड बी अ टीम पर्सन विद टीम स्पिरिट, अच्छी पॉजिटिव टीम स्पिरिट आनी चाहिए एक अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर को, क्योंकि इट्स अ टीम जॉब, वो स्टैंड अलोन रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, पूरी यूनिट के साथ जाते हैं लाइव कवरेज करने या किसी इवेंट को कवर करने, किसी भी न्यूज़ घटनास्थल पे वो अपनी पूरी यूनिट लेके जाते हैं, जिसमें राइट फ्रॉम द कैमरा मैन टू सम दे मे बी सम असिस्टेंट विद द कैमरा पर्सन, उसके अलावा देर माइट बी अ ड्राइवर हु इज़ ड्राइविंग द व्हीकल, ओबी वैन ड्राइवर हो सकते हैं, दूसरा स्टाफ हो सकता है, तो एक पूरी टीम है, तो पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरे म्यूचुअल एडमिरेशन और रिस्पेक्ट के साथ, एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते हुए उनको एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हुए न्यूज स्टोरी कवर करके लानी चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं प्रोफेशनली कि कोई और रिपोर्टर अगर कहीं बिजी है तो उसकी स्टोरी से रिलेटेड और डेवलपमेंट अगर हो रही होती है तो किसी दूसरे न्यूज़ रिपोर्टर को ये कह सकते हैं कि आप उनकी बिहाफ में ये स्टोरी जाके कवर कर लो। ऐसे में जो एक न्यूज़ रिपोर्टर है वो ही शुड बी ए टीम मैन, एक टीम स्पिरिट के साथ उनको पूरी पॉजिटिविटी के साथ दूसरों को अपनी हेल्प देते हुए और दूसरों की हेल्प करते हुए अच्छे से एक यूनिट की तरह काम करना आना चाहिए। इस सब के अलावा 24/7 न्यूज़ फॉर्मेट में कैसे काम करना है, यानी कोई फिक्स्ड शिफ्ट के साथ अपने को प्रोफेशनली नहीं ढालना चाहिए एक न्यूज़ रिपोर्टर को, क्योंकि घटनाएं बता के घटित नहीं होती, न्यूज़ बता के नहीं बनती, कोई भी घटना अचानक से दुर्घटना कहीं भी घटित हो सकती है, किसी भी समय घटित हो सकती है। तो अगर उदाहरण के तौर पे कोई रिपोर्टर मान लिया जाए कि सुबह की शिफ्ट में आया है, सुबह 8 बजे अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर टीवी न्यूज़ रिपोर्टर आए हैं सुबह 8 बजे की शिफ्ट में, क्योंकि मॉर्निंग का कोई न्यूज़ इवेंट वो कवर कर रहे थे, अब रात के 8 बजने वाले हैं, अपनी पूरी स्टोरी और उससे जुड़ी डेवलपमेंट कवर करके उसको फाइल करवा के बुलेटिन में चलवा के फाइनली वो अपना काम पूरा करके जाने वाले हैं, निकलने ही वाले हैं ऑफिस से, कि उनकी स्टोरी से जुड़ी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ गई या फिर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना कहीं घटित हो गई जिसके लिए कोई और रिपोर्टर अगर अवेलेबल नहीं है, तो एक न्यूज़ रिपोर्टर का ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मेरी 12 घंटे की शिफ्ट ओवर होगी या सुबह का आया हुआ हूँ तो अब मेरा जाने का टाइम हो गया, मेरी शिफ्ट तो ओवर होगी, मेरे वर्किंग आवर्स ओवर हो गए, अब मुझे जाना है और आप किसी और को ये काम दे दीजिए, इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 24/7 फॉर्मेट है और किसी भी टाइम पे रात दिन सुबह किसी भी टाइम पे किसी टीवी रिपोर्टर को न्यूज़ कवरेज के लिए कहा जा सकता है। एक टीवी न्यूज़ रिपोर्टर को इस सब के अलावा सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिबल और सेंसिटिव, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि खासकर सेंसिटिव इशू पे अगर न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो, जैसे रेप की घटना, जैसे मोलेस्टेशन केसेस, बच्चों से जुड़े कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केसेस, महिलाओं से जुड़े बहुत सेंसिटिव केसेस, आग लग जाने जैसी घटना, कम्युनल टेंशंस बढ़ाने जैसी घटनाएं, तो ऐसी घटनाओं से अगर डील करते हुए वो किसी का इंटरव्यू लेने गए हैं, किसी की बाइट ले रहे हैं, तो बहुत सेंसिटिव कवरेज बहुत ज़रूरी है एक टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टर के लिए। अगर किसी रेप पीड़िता से वो कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या उनके फैमिली मेम्बर से कोई सवाल कर रहे हैं, तो इतनी सेंसिटिविटी एक अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर से एक्सपेक्ट की जाती है
कि वो ऐसे इनसेंसिटिव सवाल ना पूछें। आपको कैसे लग रहा है, आप कैसा महसूस